नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रीडिंग सिस्टम। ब्रीडिंग सिस्टम है क्या? ब्रीडिंग सिस्टम में हमें पशुओं के नस्ल सुधार के बारे में अध्ययन करना है। किन पशुओं का किस प्रकार से हम प्रजनन करेंगे ताकि हमें उत्पादन अधिक प्राप्त हो। ब्रीडिंग सिस्टम हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। अब हमारे इन ब्रीडिंग भी दो प्रकार का होता है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइव ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, हमारे सगे संबंधियों का आपस में संकरण कराया जाता है। क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग वह ब्रीडिंग है जिसमें बिल्कुल सगे संबंधी नर तथा मादा पशुओं का संकरण कराया जाता है, उसे इन ब्रीडिंग क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पुत्र, पिता पुत्री का सगे, बिल्कुल सगे संबंधियों का आपस में संकरण कराया जाता है। दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में, लाइन ब्रीडिंग वह क्रिया है जिसमें एक ही नर, एक ही जाति के नर तथा मादा पशुओं का संकरण कराया जाता है। इसमें तीन पीढ़ियों के सगे संबंधी नर पशुओं तथा मादा पशुओं का आपस में संकरण कराया जाता है। जैसे चचेरा भाई, चचेरी बहन, दादा पोती, पोता दादी। दूसरा है हमारा आउटब्रीडिंग। इसमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न वंश तथा जाति के सभी का संकरण आपस में कराया जाता है और हमें विभिन्न प्रकार की शुद्ध नस्लें प्राप्त होती हैं। आउटब्रीडिंग भी हमारा चार प्रकार का होता है, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और ब्रीडिंग अप। सबसे पहले हमारा है आउटक्रॉसिंग। इस विधि में हमें विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न नर तथा जाति, एक ही जाति के शुद्ध नर के नर तथा जाति मादा पशुओं का आपस में संकरण कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, आउटक्रॉसिंग। इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग चार प्रकार का होता है, क्रिस क्रॉसिंग। इसमें क्या है, एक ही जाति के नस्ल, शुद्ध नस्ल के नर तथा मादा पशुओं का संकरण कराया जाता है। दूसरा है ट्रिपल क्रॉसिंग। एक ही जाति के शुद्ध तथा एक ही जाति के शुद्ध नस्ल के नर तथा मादा पशुओं का एकांतर क्रम में संकरण कराया जाता है, तो इसे ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। टॉप क्रॉसिंग, जब हमें, जब प्रजनन के अंतिम सार से इसका संपर्क कराया जाता है, तो इसे टॉप क्रॉसिंग कहते हैं। बैक क्रॉसिंग, जब किसी पशु में इच्छित गुणों या संतति के गुणों को वापस लाना होता है, तो संतति के प्रथम सार से इसका क्रॉस कराया जाता है, इसे बैक क्रॉसिंग कहते हैं। अगला हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वह है जिससे हमें हाइब्रिड, जिससे हमें संकर नस्लें प्राप्त होती है। इसमें विभिन्न जाति तथा विभिन्न वंश के नर तथा मादा पशुओं का आपस में संकरण कराया जाता है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे बीकानेरी भेड़ तथा मेरिनो मेड़ा के क्रॉस से हिसार डेर नस्ल उत्पन्न होती है। ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप वह है जिसमें कि हमारे एक अशुद्ध जाति के गाय को शुद्ध जाति के नस्ल से पीढ़ी दर पीढ़ी एक क्रम में संकरण कराया जाता है, जिससे हमारी नस्ल सुधार होती है। लगभग 6 से 7 पीढ़ियों में हमारी नस्ल 99% शुद्ध हो जाती है, जिसे पूर्ण रूप से हम शुद्ध मान लेते हैं। थैंक यू।